महाकवि दिनकर जी ने लिखा, किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है, यहाँ धनुष धरने वाला एक साथ यज्ञाग्नि और अश्व की पूजा करने वाला, कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल काल संक्रोधी, तप में महासूर्य जैसा। भगवान परशुराम जी के लिए उन्होंने लिखा। यह संकल्प है हमारा इस भूमि का यथोचित विकास करके, इस स्थान को हम ऐसा बनाए कि दुनिया भगवान परशुराम जी की जन्मभूमि पर दर्शन करने पधारे, और इसलिए यहाँ भगवान परशुराम लोक का निर्माण किया जाएगा। और उसकी पूरी रूपरेखा बनाने हम विद्वानों के साथ, प्रशासन के साथ, सबके साथ बैठेंगे, और जब भगवान की कृपा से ही महाकाल महालोक बना है तो भगवान परशुराम लोक भी बनेगा।